आता है जब आप WhatsApp के अंदर QR कोड को अपने स्कैन करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमारा QR कोड जो है स्कैन नहीं हो पाता है, नो वैलिड QR कोड डिटेक्टेड की इश्यू आ जाती है। ठीक है, तो कैसे आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करना है और कैसे इसको फिक्स करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो ज़्यादातर केसेस में अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, नो QR कोड डिटेक्टेड लिखा आ रहा है, तो सबसे पहले तो चेक कीजिए जो आप QR कोड यहाँ पे स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक सही QR कोड होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि QR कोड चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं पुराना QR कोड को स्कैन कर देते हैं और यहाँ पे नो वैलिड QR कोड लिखा जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक और लाइव करके दिखाऊंगा। यहाँ से देखिए, अब ये एक न्यू QR कोड है और जैसे मैंने इसको स्कैन किया तो यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे मतलब ये आ चुका है, चैट्स वगैरह, ठीक है, तो ये तो QR कोड यहाँ पे हमारा स्कैन सही तरीके से हो गया है। बाकी कभी कभी क्या होता है कि हम अगर सही तरीके से QR कोड को स्कैन ना करें, जैसे यहाँ पे अब मैं करता हूँ, तो यहाँ पे ही अगर हम सही तरीके से QR कोड हमारा स्कैन ना हो तो ही ये प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये दिक्कत आती है। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं गैलरी से कोई QR कोड ले लेते हैं और उसको स्कैन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो अगर सही ना हो तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि नो वैलिड QR कोड डिटेक्टेड आ जाएगा। तो एक तो वैलिड QR कोड होना चाहिए और एक तो मतलब एक एक्टिव QR कोड होना चाहिए, क्योंकि QR कोड भी जिसका भी है वो चेंज भी कर सकता है, ठीक है, और वो WhatsApp के ही होने चाहिए। अगर दूसरा QR कोड आप किसी का ट्राई करोगे, जैसे WhatsApp के अलावा भी QR कोड आते हैं, तो वो यहाँ पे स्कैन नहीं होगा, सिर्फ WhatsApp का ही QR कोड होगा और वो भी एक लेटेस्ट होना चाहिए क्योंकि WhatsApp का QR कोड जिसका है वो चेंज भी कर सकता है। अगर आपको वीडियो यहाँ पे अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।